तो ये बहुत ही मज़ेदार दही वड़ा बनाने की रेसिपी देखते हैं। इसके लिए हमने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो भी देखते हैं। इसके लिए हमने 1 कप उड़द दाल लिया है। उड़द दाल को हमने मिनिमम 5 से 8 घंटे तक पानी में भिगा के रखना है। मिनिमम हमें 5 से 8 घंटे से पानी में भिगा के रखना है, आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं। इसी के साथ हमने एक छोटा अदरक का टुकड़ा लिया है, उसको ऐसे काट लिया है, और 1 टीस्पून जीरा लिया है, और हमें चाहिए नमक। नमक स्वाद अनुसार आपको जितना चाहिए उतना लें। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा मिक्सी का जार लेंगे और इसमें आधा उड़द दाल जो है, आधा जो क्वांटिटी है, हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से पीस कर लेंगे, एकदम स्मूथ पेस्ट बना लेंगे इसका। साथ ही में हम इसमें जो हमने अदरक और जीरा लिया था उसका भी आधा क्वांटिटी हम इसमें डाल देंगे और 1 टेबलस्पून पानी डालेंगे और इसको अच्छा सा स्मूथ पेस्ट बना के पीस लेंगे। एकदम स्मूथ पेस्ट बना लेना है, कोई तरी नहीं रहनी चाहिए इसमें। तो बस देखिए, हमने इसको अच्छा स्मूथ पेस्ट बना लिया है इस तरह से। इसमें पानी की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, ये 1 टेबलस्पून ही पानी में अच्छे से पीस चुका है। इसी तरह हम बाकी का भी हम पीस लेंगे। तो देखिए, हमने सारा उड़द दाल को पीस लिया है। अब इसमें हम नमक डालेंगे, आपको जितना नमक चाहिए उतना डालें, और इसको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। एक 5 से 8 मिनट तक हमें अच्छे से इस तरह से मिक्स करते रहना है, इसे फ्लफ़ी कर लेना है इसको। जैसे ही आप इसको करने लगेंगे और 5 से 8 मिनट हो जाएंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि एक फ्लफ़ी हो रहा है। तो देखिए, ये फ्लफ़ी होने लगा है, इस तरह से अच्छे से फ्लफ़ी कर लेना है हमें। देखिए, हमने 5 से 8 मिनट तक इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है हाथ से, ये फ्लफ़ी हो चुका है। अब ये बस हमें इसको फ्राई कर लेना है। इस तरह से फ्लफ़ी होना चाहिए, जैसे आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये फ्लफ़ी हो रहा है। तो अभी फ्राई करने के लिए हमें ऑयल गरम कर लेना है, डीप फ्राई ऑयल गरम कर लेना है, और इसको मीडियम टू हाई आंच पर हम रखेंगे। हाथ में थोड़ा सा पानी ले लें और जितना आपको दही बड़े का साइज़ चाहिए उतना आप ले लें बैटर हाथ में, और इसको तेल में हल्के से छोड़ दें। ध्यान रखें हाथ जले ना। इसका साइड चेंज करते हुए हमें इसे फ्राई कर लेना है। बीच बीच में इसका हम साइड चेंज कर लेंगे, इसे गोल्डन कलर कर लेना है। देखिए, इस तरह से हमें इसका गोल्डन कलर कर लेना है। तो बस हमारा वड़ा तैयार है, गोल्डन कलर हो चुका है। इसी तरह हम बाकी का भी वड़ा फ्राई करके निकाल लेंगे। अब हमें एक बर्तन में पानी लेना है, ये नीम गर्म पानी है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बस पानी का जो ठंडा बन है वो निकाल लेना चाहिए हमें। उस तरह से हमें इसे गर्म करके निकाल लेना है। अब इस गर्म पानी में हम ये वड़ा जो हमने तैयार करके रखा था ये डाल देंगे और इसको सोक कर लेंगे। बस एक 5 मिनट इसको हम ऐसे सोक करके रखेंगे और उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे। निकाल के इसके 5 मिनट बाद हमने इसको अच्छे से सोक करने के बाद देखिए पानी अंदर चला जा चुका होगा। अब इसमें से हम ये वड़ा को निकाल के ऐसे हल्के से इसको स्क्वीज़ कर लेंगे। बहुत ज़्यादा स्क्वीज़ नहीं करना है, हल्के से इसको स्क्वीज़ कर लेना है। सारे हम वड़ा ऐसे स्क्वीज़ करके निकाल लेंगे। तो देखिए, हमारे वड़े जो है तैयार है, बस अब इसे असेंबल करने की देरी है। असेंबल करेंगे, इसके ऊपर दही डालेंगे, चटनी डालेंगे और खा लेंगे। तो असेंबल करने के लिए हमने यहाँ पे देखिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिया है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो हमें वड़ा के ऊपर डालना है, तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा खट्टी मीठी चटनी लिया है, ग्रीन चटनी लिया है। इन दोनों की रेसिपी जो है आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी और हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर रहे हैं। और हमने यहाँ पर दही लिया है 1 कप, ये कप आपको, और आपको जितना चाहिए उतना दही ले लें। थोड़ा सा हमने जीरा पाउडर लिया है, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर लिया है, चीनी चाहिए हमें, शुगर जितना चाहिए उतना ले लें, और ये है सेव, ये ऑप्शनल, अगर आपके पास नहीं है तो नो प्रॉब्लम। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स ये हमें ऊपर से तैयार करने के लिए, सबसे पहले हमने दही को फेंट लेना है। दही को हम डाल देंगे एक बोल में, साथ में जितना आपको शुगर चाहिए उतना आप डाल दें, और थोड़ा सा 1 पिंच नमक डाल देंगे। अब इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे, बहुत ही अच्छे से इसे फेंट लेना है, लूज़ कर लेना है इसे, लम्स नहीं होने चाहिए इसमें, और शुगर जो है अच्छे से मेल्ट हो जाना चाहिए। तो देखिए, हमारा दही तैयार है, इस तरह से होना चाहिए इसकी कंसिस्टेंसी, फ्लोइंग कंसिस्टेंसी। तो चलिए फाइनल स्टेप की ओर। एक बोल ले लें या प्लेट ले लें, उसमें आपको जितने वड़ास चाहिए वो रख देंगे आप, और इसके ऊपर से हम दही डालेंगे। दही को अच्छे से डालना है, वड़ा जो है दही में डूबना चाहिए, सबमर्ज होना चाहिए, उस तरह से डालें। ऊपर से हम थोड़ी सी खट्टी मीठी चटनी डालें, अगर ये नहीं डालेंगे भी तो भी नो प्रॉब्लम, तभी इसका टेस्ट बहुत बढ़िया है। अगर आपको पसंद है तो डालें, नहीं पसंद है तो ना डालें। हरी चटनी डालेंगे, ग्रीन मिर्च चटनी,
ऊपर से हम डाल रहे हैं, जितना आपको पसंद है उतना डालें। थोड़ा सा हम मिर्ची पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा जीरा पाउडर और सेव। तो बस हमारा दही वड़ा तैयार है, एकदम बढ़िया है और बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही आसान भी है बनाने में, मुंह में पानी आ जाए, इतना टेस्टी है। तो बस आप सब बनाइए, ट्राई कीजिए और हमें बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नए रेसिपीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।